नमस्कार, आज कुछ और होमोफोन्स की बात करते हैं। और आपको पता है इनको हम होमोफोन्स कहते हैं या कंफ्यूजिंग वर्ड्स कहते हैं। ये वो वर्ड्स होते हैं या वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं हुज प्रोनंसिएशन इज सेम या साउंड इज सेम पर द मीनिंग इज डिफरेंट। इनका साउंड सेम होता है, प्रोनंसिएशन सेम होता है, लेकिन मीनिंग अलग होता है। तो पहला वर्ड आपका है, देखिए यहां पर अल्ट्रेशन और अल्ट्रकेशन लगभग साउंड सेम लगता है, लेकिन अल्ट्रेशन का मतलब होता है अ चेंज, एक बदलाव अल्ट्रेशन कहलाता है। और अल्ट्रकेशन का मतलब होता है क्वारल, QUARRL क्वारल झगड़ा कहलाता है। अल्ट्रेशन चेंज है और अल्टरकेशन क्वारल झगड़ा कहलाता है। यूज कैसे करें? आई डोंट लाइक दिस अल्ट्रेशन, मुझे ये चेंज ये बदला पसंद नहीं है। और अल्टरकेशन में झगड़ा होता क्वारल। इन मैनी फैमिलीज नाउ डेज वी हियर नॉइजी अल्टरकेशन, कई परिवारों में हम लोग नॉइजी अल्टरकेशन या झगड़े सुनते हैं। अगला वर्ड आपका एल्यूजन, एल्यूजन का मतलब होता है रेफरेंस या हिंट, संकेत कहलाता है। और इस एल्यूजन का मतलब होता है भ्रम कहलाता है या अनरियल कहलाता है, जो चीज रियल ना हो। अब यूज कैसे करते हैं? ये एल्यूजन रेफरेंस है, संकेत, और इसका मतलब होता है अनरियल। जैसे यूज कैसे करते हैं? आई विल गिव यू एन एल्यूजन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को हल करने के लिए मैं आपको एक संकेत दूंगा। और इल्यूजन क्या होता है? अनरियल होता है। जैसे आई डोंट लाइक योर इल्यूजन रिगार्डिंग स्टडीज, अध्ययन के बारे में मुझे आपका इल्यूजन अच्छा नहीं लगता। या कह सकते हैं फॉर मैनी पीपल द वर्ल्ड इज एन इल्यूजन, ये अनरियल है, झूठा है, वास्तविक है। एल का मतलब होता है ट्रबल, कष्ट होता है, और इस एल का मतलब होता है वाइन या ड्रिंक, शराब कहलाता है। कैसे यूज करेंगे? डू यू हैव एनी एल, डू यू हैव एनी एल, क्या आपके पास कोई कष्ट है? और ये एल कैसे होता है? On many occasions, people take L, look, alcohol या drink लेते हैं। Antique का मतलब होता है ancient, प्राचीन, और इस antique का मतलब होता है bizarre या grotesque या विचित्र कह सकते हैं। जैसे इस एंशियंट का मतलब एक और होता है आर्केइक कह सकते हैं, एंशियंट। जैसे आई लव एंटीक ट्रेडिशंस, मुझे पुरानी परंपराएं पसंद हैं, अच्छी लगती हैं। और इस एंटीक यूज कैसे करेंगे? In many museums, we can see antique things of ancient times. हमें प्राचीन चीजों की, प्राचीन समय की एंटीक चीजें यानी बिजेयर चीजें मिलती हैं। अगला है अल्टरनेट, अल्टरनेट का मतलब होता है टू चेंज, बदलना। और ये अल्टरनेटिव है, इसका मतलब होता है चॉइस। देखिए दोस्तों, एक रूट है अल्टर या अल्टू, जहां पर ये रूट आता है उसका मतलब होता है अदर या चेंज। तो अल्टरनेट वर्ब है टू चेंज, बदलना, और अल्टरेशन
अल्टर से बनाया गया, ही चेंज नाउन बन जाता है, और अल्टरनेटिव होता है एक एडजेक्टिव होता है, यानी कि जहां पर हमारे पास कई ऑप्शन होते हैं वो अल्टरनेटिव कहलाता है, चॉइस कहलाता है। अब यूज कैसे करेंगे? आई सेल अल्टरनेट दिस पेन इन फ्यू डेज, मैं इस पेन को कुछ दिनों में बदल लूंगा। और अल्टरनेटिव क्या था? चॉइस। तो कैसे यूज करेंगे? Nowadays there are many alternatives of learning. आज के जमाने में सीखने के कई alternatives हैं, कई choices हैं। अगला है artful. Artful का मतलब होता है clever, चालाक, होशियार, धोखेबाज कह सकते हैं। और artful का opposite हो जाता है artless, ईमानदार। और एक होता आर्टिस्टिक, आर्टिस्टिक होता है रिलेटेड टू आर्ट, आर्ट से संबंधित, कला से संबंधित। कैसे यूज करेंगे? आई हेट एन आर्टफुल पर्सन, मुझे आर्टफुल व्यक्ति से घृणा होती है। और आर्टिस्टिक कैसे करेंगे? रिलेटेड टू आर्ट, कला से संबंधित। यूज कैसे करेंगे? I am trying to create an artistic work, एक कलात्मक काम बनाने की कोशिश करता हूं। अगला है artist. Artist होता है one who makes art या creates something. वह इंसान जो कला बनाता है या कुछ create करता है वो artist कहलाता है। जैसे फिदा हुसैन इज एन आर्टिस्ट, माय नेबर पप्पू इज एन आर्टिस्ट, एक कलाकार है। और अगला है आर्टिस्ट, इसका थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन होता है आर्टिस्ट। आर्टिस्ट मतलब होता है अ बेस्ट परफॉर्मर, वह इंसान जो स्टेज पर बड़ी परफॉर्मेंस करता है वो आर्टिस्ट कहलाता है। जैसे In present times, there are many artists in my city who are giving best performance on the stage. तो दोस्तों ये थे कुछ आज के important homophones. उम्मीद है काफी helpful हो रहे होंगे आपके लिए। मिलते हैं next video में कुछ और नए homophones के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।